जी नमस्कार, बिग न्यूज 9 से कैमूर जिला मुख्यालय यहाँ साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड पर यहाँ से जिले से किसान लोग आए हैं अपने समस्याओं को लेकर के, और हम जानते हैं कि क्या लोगों का समस्या है और किन बातों को लेकर यहाँ पर बिजली विभाग में आए हुए हैं। सर बताइए, बिजली विभाग के समस्या के संबंध में हम विद्युत अभियंता से मिलने के लिए आए हुए हैं। जब हमारे यहाँ उन्होंने मीटर लगा बगैर अनुपस्थिति में मीटर लगा दिया और पुराना मीटर लगाया जिसमें ज़्यादा यूनिट चढ़ा हुआ था और उसका बगैर मशीन चलाए हुए हमको बिल आ रहा है। दूसरी बात कि जो विद्युत हम लोग को दिया गया है मात्र नाम मात्र का विद्युत आ रहा है, दो घंटा तीन घंटा ही मात्र आ रहा है, जिससे हम लोग किसान परेशान हैं और आज बिछड़ा डालने के लिए बाध्य न डालने के लिए बाध्य हैं। तो ऐसी प्रति में लाइन को अभी सुधार किया जाए। और दूसरी बात, तीसरी बात समस्या है कि बिल का सुधार करके हम लोग तत्काल नया बिल जारी किया जाए ताकि हम लोग उसका भुगतान कर सकें। इसे गांव से आए हुए हैं, इस यहाँ गांव से हम लोग आए हुए हैं जो कि किसानों के लिए अलग फीटर लगा है। उन लोग कहना है किसान को इतना ही लाइन हम लोग को देना है। हम लोग मिले थे एक बार इससे जेई से, तो उन लोग कहा कि इतना ही ऊपर से आदेश है कि मात्र दो या तीन घंटा लाइन जाएगा। तो आप आए हो इस यहाँ से अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर, तो आपकी समस्या क्या है? सर हमारी समस्या ये है कि हम लोग किसान हैं और गेहूं का पटवन कर रहे थे, बीच में इतनी लाइन मतलब कम आई कि हम लोग का गेहूं सूख गया और जितना हम लोग का सब्जी वगैरह बोए हुए हैं समय से लाइन नहीं आता है। कभी लाइन पाँच दिन छः दिन सात दिन रहता ही नहीं है, जिससे हम लोग का सब्जी का फसल भी सूख गया है और हम लोग इसके लिए बहुत त्रस्त हैं। और बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि बड़े साहब से मिलिए, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पदाधिकारी से मिलने के लिए आए हुए हैं ताकि हम लोग को लाइन नियमित रूप से दिया जाए ताकि हम लोग का कृषि कार्य अच्छे तरह से किया जाए। आपका नाम क्या है? रामानुज सिंह सर। अब बताइए कि आप अधिकारी से आए हुए, उतना दूर पैदल चल करके, किसानी का टाइम है, किसानी का काम चल रहा है, लेकिन आप अधिकारी से क्या मांग रखते हैं? मांग रखते हैं कि हमें लाइन 22 घंटा अवेलेबल हो और हम लोग के किसानों का जो बिया डालने का समय आ गया है उसको अच्छे ढंग से, अगर हम लोग को लाइन मिले तो हम लोग अच्छे ढंग से अपना बिया डाल पाएँ। और दूसरी बात यह है कि जो हमें, जो हमारे यहाँ मीटर जो लगाया गया है उसका फिक्सिंग स्लिप मुझे नहीं मिला था और दो दिन तीन दिन के बाद, अगर ये पाँच छः महीने के बाद मुझे फिक्सिंग स्लिप मिला है जो कि यहाँ पे मुझे मिला गया और मेरा सिग्नेचर यहाँ पे धीरज किया गया है, जो कि ये पूर्ण रूप से फर्जी तरीके से ये सिग्नेचर किया गया है, जो कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है। इस संबंध में अधिकारियों से आप बात कभी किए हैं? बात किए हैं, वो बोले कि आपके घर पर पहुँच जाएगा, लेकिन ये घर पे पहुंचा तो ये मैंने देखा तो ये फिक्सिंग, ये धीरज कुमार पटेल जो मेरा सिग्नेचर है ये फर्जी तरीका से सिग्नेचर किया गया था और मेरे मीटर का रीडिंग ना मेरे रिटर्न मेरे मीटर का रीडिंग 19,406 यूनिट है, जो कि अभी नया नया मीटर लगा और पुराना मीटर लगा के 19,600 मैंने एक भी बार अभी वहाँ पर कोई मशीन और समरसेबल नहीं चलाया था। ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई के लिए क्या मांग करते हैं? मैंने एप्लीकेशन लिखा हूँ और इसका कार्रवाई के लिए बहुत मांग करता हूं कि अच्छे से कार्रवाई हो और इसका निदान भी निकले। देखिए, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से किसान आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के यहां बिजली विभाग में अपने बातों को रखने के लिए। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो हम लोगों को प्रीपेड और स्मार्ट मीटर में उलझा कर बिजली विभाग के द्वारा रख दिया गया है और रात के अंधेरे में आकर के बिजली विभाग चोरों की भांति मीटर लगा करके और इन लोगों को अधिक पैसा वसूलने के लिए इन लोगों के गले में डाल करके और अपना चोरी के भांति चोर की तरह भाग करके अपना जान बचा रहे हैं। और प्रीपेड मीटर से इन लोगों का बिल अपने मनमानी ढंग से किसी का अधिक कम आ जा रहा है। बिजली विभाग अपने कामों पर संतुलन और नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, जिनके एक गरीब किसान, मजदूर, असहाय, निर्दोष, अल्पसंख्यक, दलित लोग एक मजदूरी कर अपना पेट भरने का काम करता है, वैसे में भारी भरकम बिजली का बिल कैसे भरेंगे। इसी संबंध में जिले का किसान यहां पर आए हुए हैं बिजली विभाग में मिलने के लिए और इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार के तरफ से इन लोगों के लिए किसानों को सस्ते रेट पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन बिजली विभाग से उन लोगों को ना ही के बराबर लाइन मिलती है जो कि सस्ते दर पर है। महंगे दर के लाइन को यूज करने के लिए, विद्युत को यूज करने के लिए, इन लोगों को प्रतिबंध करने के लिए, उन लाइन को काट करके
और महंगे लाइन का इस्तेमाल करे किसान, इसलिए लाइन को काट करके इन लोगों को परेशान किया जाता है। इस संकट में चाहेंगे कि आप जिला प्रशासन से और बिजली विभाग से जो आप मांग कर रहे हैं, यदि आपकी मांगों को नहीं सुना जाता तो आगे की रणनीति क्या होगी? बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसके बारे में। आगे की रणनीति होगी कि हम लोग अगले पदाधिकारी के यहाँ, डीएम के यहाँ धरना ऑपरेशन करने का काम करेंगे। सारे जो किसान उस फीटर पर 14-16 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सारे ट्रांसफार्मर के जितने भी कंज्यूमर हैं, हम लोग कहते हैं डीएम के यहाँ अगली कार्रवाई में धरना देने का काम करेंगे। इन किसानों की साफ तौर पर कहना है कि यदि हम लोगों के मामले के, हम लोगों को बातों को यदि नहीं सुना जाता है बिजली विभाग के लोग और अधिकारी जिला प्रशासन, तो ये लोग आंदोलन करने के लिए बात होंगे, मजबूर होंगे। जैसे कि इन लोगों ने बताए हैं कि हम लोगों को बिजली विभाग के माध्यम से, बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा हम लोगों के पैसे पर और हम लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डालने का काम किया जा रहा है, जिससे कि लोग महंगे बिजली को यूज करें और सस्ते बिजली जो सरकार के माध्यम से किसान उपभोक्ताओं को दिया जाता है वो लोग यूज ना कर पाए, इसलिए इन लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, जैसे ने किसानों ने बताया। और यहाँ पर आगे की आंदोलन करेगी। इसी के साथ बिग न्यूज 9 की रिपोर्ट, विवेकानंद पटेल के साथ।